जो मिसल थाली है हमारी नासिक से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। आप देख सकते हैं आपके सामने, हम लाइव बना के दिखा देते हैं। चूल्हे का मिसल है इसमें, क्योंकि स्वादिष्ट होता है इसलिए इसको लकड़ी पे बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं क्वांटिटी हमारी कंटिन्यूसली चालू ही रहती है। इतनी अभी 2-3 घंटे के बाद, ये 2 घंटे के बाद वापस हमको इतना क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। जो आप देख सकते हैं ये स्प्राउट्स है हमारे, जो कि बॉईल हो चुके हैं, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं शेव। ये जो स्प्राउट्स है, शेव है, मूँगफली है, उसके साथ ये देते हैं 2 पाव, पापड़, कांदा निवार, दही, और उसके साथ अनलिमिटेड रस्सा। ये जो रस्सा है जो चूल्हे के ऊपर हमने बनाया है, और उसके साथ ये तरी आती है जो स्पाइसी रहती है, जिसको जैसे स्पाइसी चाहिए वो स्पाइसी खा सकता है। ये गुड़ का जलेबी है हमारा। ये जो गुड़ है हमारा पूरा नेचुरल गुड़ है, विदाउट केमिकल का गुड़ है। ये जो गुड़ की जलेबी आप सामने देख सकते हैं, जो हमारे टेबल लगे है, हम टेबल के सामने हम कस्टमर को बना के दिखा देते हैं। जूस का भी हमारा लाइव काउंटर है। पेरू का आइसक्रीम है, उसके बाद ये बटाटा भजी है, कांदा भजी है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई फैन नहीं लगाया, लाइट नहीं लगाया, सब नेचुरल तरीके से हमने किया है। आप ऊपर देख सकते हैं पेड़ों के नीचे आप बैठ के, ये जो पेड़ है हमारे 65 साल पुराने, उसके अंदर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे मिसल का। मैं बीटेक हुआ हूँ, लगभग मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में 5 साल तक जॉब किया है। जो खेती जो है हमारी पुरखों की, तो उसको ही जोड़ के हम काम करेंगे कुछ। तो सब हमारे लगभग 65 ईयर ओल्ड पेड़ है, तो उसके अंदर हमने पूरा सेटअप बनाया है। मतलब जो यहाँ पे आके है ना, वो एंजॉय कर सकता है और डे पूरा डे वो उसका स्पेंड कर सकता है यहाँ पे, और मेमोरीज वो जो लाइफ टाइम उसको याद रहेगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमने बनाया है। हाँ 30 केजी और डाल। इसमें 1200 प्लेट हो गए मसाले। ये जो हमारी ये बड़े वाले हांडे है, इसे दो तीन हांडे बनाना पड़ता है, कभी कभी 4 भी बनाना पड़ता है। शनिवार रविवार को 5000-6000 समथिंग। चूल्हे का मिसल है इसमें, क्योंकि स्वादिष्ट होता है इसलिए इसको लकड़ी पे बनाया जाता है। ये क्या डाल दे सर? ये हमारा सालसा है और जीरा है, ये ग्रीन चिली पे तुम्हारे पास रखो इसके साइड में। ये मसाला ग्रेवी का पूरा, ये पूरे मसाले हैं हमारे, इसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है। ये रेडी है? ये रेडी है, इसमें पानी पड़ेगा। ये बाजरे के आटे का घोल है। हाँ। ये मिसल के अंदर पानी जाएगा, तो मिसल का पानी बोलते हैं, तो वो जो रस्सा बना रहे उसके अंदर हम डालेंगे। जो हमारा मिसल पॉइंट है नासिक से 10 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है,
और इसका नाम जो है पेरू की वाड़ी। पेरू मतलब क्या है, गावा जो बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको। सब हमारे लगभग 65 ईयर ओल्ड पेड़ है, तो उसके अंदर हमने पूरा सेटअप बनाया है। और जो सेटअप बनाया है उसके अंदर हमने एक भी पेड़ कटने किया, एक भी कुछ भी कट विदाउट कटिंग से हमने ये सेटअप रेडी करे। और जो मिसल है हमारा वो आप देख सकते हैं आपके सामने, हम लाइव बना के दिखा देते हैं। और ये चूल्हे के ऊपर है, मतलब जो लकड़ी की आँच में धीमे से हम उसको बनाते, तो इसकी वजह से जो स्वाद आता है मिसल का तो एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल मिसल का स्वाद आ जाता है। और आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी हमारी कंटिन्यूसली चालू ही रहती है इतनी, अभी 2-3 घंटे के बाद, ये 2 घंटे के बाद वे वापस हमको इतना क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। और ये कैसे हम बैच वाइज बनाते हैं, इसकी वजह से वो जो टेस्ट है हमारा वो मेंटेन रहता है। मामा के दादाजी ने ये पेड़ लगाए और इसको आप देख सकते हैं 65 साल पुराने, मतलब इतने दिन तक रहते नहीं लेकिन वो हमने मेंटेन किए उसको। और जो स्पेशलिटी थी नासिक की मिसल, तो हमने वो गाँव मतलब जो फार्म के अंदर हमने उसको इंक्लूड किया। स्टार्टिंग में हमारा चालू था कि कुछ तो खाने का बनाएंगे, मतलब थाली था, महाराष्ट्रियन थाली बनाने वाले थे, तो लेकिन उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा था, मतलब मिनिमम 250 रुपीज़ तक जा रहा था उसका। तो हमने सोचा कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते कुछ वर्कर्स रहते तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी प्राइसिंग को, हाई प्राइसिंग, तो उसको देख के हमने ये सोचा कि मिसल पाव कैसा एवरेज प्राइसिंग है उसका, 120-150 तक आराम से एक बंदे का पूरा पेट भर जाता है, उसका फैमिली का अफोर्डेबल हो जाता है, तो वो देख के हमने उसको इंक्लूड किया तो मिसल पाव को। और ये कंप्लीट मील होने के बाद, मतलब जो ब्रेकफास्ट या लंच होने के बाद उसको दिन भर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से हमने वो प्रोडक्ट डिसाइड किया। अभी लगभग 70 स्टाफ है हमारे पास और संडे के दिन लगभग 120 के आसपास हो जाते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं हमारे। वेजिटेबल आई है अभी, फ्रेश वेजिटेबल है सब मार्केट से, मिर्चे जो मिसल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कोथम्बीर है देखो आप देख सकते हैं इसका फ्रेशनेस। स्प्राउट से हमारे अभी पक गए पूरे और निकालेंगे हम इसे। ये जो आप देख सकते हैं ये स्प्राउट्स है हमारे जो कि बॉईल हो चुके हैं, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं शेव, जिसके अंदर 2 शेव है, एक नायलॉन शेव बोलते हैं और एक भावनगरी बोलते हैं। ये जो गार्निशिंग के लिए हम 0 नंबर से बोलते हैं इसको, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ये कोथम्बीर जो फ्रेश कोथम्बीर आई थी वो अभी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। पाव गरम करते हैं, ये जो ये देसी घी के अंदर हम इसको गरम करते हैं, उसके साथ जो कोथम्बीर है वो हम डालते हैं। अभी ये इसके साथ जाएंगे पापड़ के साथ। ये जो अभी हमें हमारा मिसल जो रेडी हो चुका है, ये जो स्प्राउट्स है, सेव है, मूँगफली है, उसके साथ ये देते हैं 2 पाव पापड़ कांदा निमार दही, और उसके साथ अनलिमिटेड रस्सा आता है, उसके साथ जो तरी अलग आएगा और रस्सा अलग है, जिसको जैसे जैसे चाहिएगा वो स्पाइसी बना सकता है, जिसको माइल्ड चाहिए वो माइल्ड बना सकता है। ये गुड़ का जलेबी है हमारा, गुड़ की चाशनी है पूरी आप देख सकते हैं इसको। ये लोग शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो गुड़ है हमारा पूरा नेचुरल गुड़ है, विदाउट केमिकल का गुड़ है आप देख सकते हैं। घी भी हम अमूल का ही इस्तेमाल करते हैं,
की मतलब बेस्ट क्वालिटी का देने का हमारा प्राय है कस्टमर लोग। ये जो गुड़ की जलेबी आप सामने देख सकते हैं, जो हमारे टेबल लगे हम टेबल के सामने हम कस्टमर को बना के दिखा देते, जो कि लाइव काउंटर है हमारा। गुड़ का भी लाइव काउंटर है, यहाँ पे जूस का भी हमारा लाइव काउंटर है। पूरा प्योर रहता है, मतलब कुछ मिलावट नहीं। हाँ, कुछ मिलावट नहीं, पूरा नेचुरली बना है। उसका भी लाइव काउंटर हमने बनाया। और ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये भी सीक्रेट है। दो पाव कर, पाव ब्रेड लगा और कैसे मैं देखा रहता है। अरे बाजरे ताकना का जो लस्स दिया था आपने अभी, तो मिसल बनाते हुए आपने देखा है अभी। उसके बाद आपको हमने ये भी दिखाया है, गुड़ वाला जलेबी, उसके बाद गावा जूस। अभी जो मिसल है हमारा, जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं एक ही जगह पे। ये देखो, ये हमारा स्पेशल मिसल है, उसके साथ हम देते हैं दो पाव, पापड़, कांदा नींबू और ये दही, उसके साथ नींबू, ये सब हम मिसल के अंदर। और उसके साथ जो आता है अनलिमिटेड रस्सा, ये जो रस्सा है जो चूल्हे के ऊपर हमने बनाया है, ये जो रस्सा, और उसके साथ ये तरी आती है जो स्पाइसी रहती है, जिसको जैसे स्पाइसी चाहिए वो स्पाइसी खा सकता है। बाद में जो स्पेशल है हमारा गुड़ का जलेबी, उसके बाद पेरू का आइसक्रीम है, उसके बाद ये बटाटा भजी है, कांदा भजी है, और ये जो जूस देखा आपने, उसके बाद ये कुल्लड़ में हम लस्सी देते हैं, ये छाछ है, और जो रिसेंटली हमने चालू किया आपको जो बताया है कि बाजरे का भाकरी। ये जो पाव के ऑप्शनल में हमने बाजरे का भाकरी रखा है, जो कि हेल्दीएस्ट हो जाएगा। ये जो सब प्रोडक्ट्स है हमारे, उसका हम प्राइसिंग भी आपको बता देता हूँ। ये जो मिसल पाव है हमारा, जो उसके साथ रस्सा आता है, वो 99 रुपीज़ का है। जो भाकरी है 20 रुपीज़ की है। गुड़ वाली जलेबी है वो 60 रुपये की है। जो भजिया है वो आप मिक्स भी ले सकते हैं, चाहिए तो अलग अलग भी ले सकते हैं, वो 60 रुपीज़ की है। जूस है वो 60 रुपीज़ का है। लस्सी है वो भी 60 रुपीज़ की है। और जो मसाला छाछ है हमारा वो 30 रुपीज़ का है। और लास्ट में जो गावा आइसक्रीम है वो भी 60 रुपीज़ का है। जो हमारी प्राइसिंग आपको बता दिए। और ये जो मिसल थाली है हमारी, वो आपको यहाँ पे पेरुचीवाड़ी मुंगसरा फाटा लोकेशन है, नासिक से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। आप यहाँ पे पूरा फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई फैन नहीं लगाया, लाइट नहीं लगाया, सब नेचुरल तरीके से हमने किया है। आप ऊपर देख सकते हैं पेड़ों के नीचे आप बैठ के, ये जो पेड़ है हमारे 65 साल पुराने, उसके अंदर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे मिसल का।
से तो सर मैंने कितना क्या बनाना सीखा है। टेस्ट करके देखेंगे अभी आपको पता चलेगा फ्रेश है कि क्या है। गुड़ का फ्लेवर आ रहा है। गुड़ का फ्लेवर है। ये फर्स्ट टाइम है पेरू का जूस, पहले कभी नहीं पिया हूँ। और कोई मिलता भी नहीं है सर? नहीं नहीं। आइसक्रीम के ऊपर चिली, आइसक्रीम के ऊपर चिली, चिली मसाला, चिली मसाला। फुल नेचुरल फ्लेवर रहता है। तो वो जो सोजे की रखी थी मैं के पूरा ना भी रखी हुई देख रहे हैं। ये इनका तरी टेस्ट कैसी है? बाजरे का रोटी पाव से ज्यादा भाकरे में अच्छा लग रहा है मिसल। बेस्ट है सर। आपकी आईडी क्या नाम है? दिया मैं ले लिया। अभी एक पार्टी आने वाली है, बुकिंग है हमारा, डेढ़ 200 लोग की पार्टी है। इस साइड रुक जाना मुझे कहा। बेस्ट ये लीजिए कल वगैरह मुझे लीजिए। कैसा टेस्ट है? पूरा गुड़ का फ्लेवर आ रहा है वो टोटल नेचुरल गुड़।